हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त स्माइल करते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू माय माय चैनल। चैनल। हम लोग ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और खूब हैप्पी हैप्पी रहिए, स्माइल करते रहिए। और अभी मतलब करवा चौथ के बाद से ये ब्लॉग आएगा मेरा। करवा चौथ वाले ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए दिल से थैंक यू। और अभी चलते हैं किचन में, नाश्ता वगैरह बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं, तो कंजूसी मत कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो आप लोग देखते हैं तो लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और कमेंट जरूर डाला कीजिए अपने जो भी हैं मेरे वीडियो के लिए, आपके कमेंट्स वो डाला कीजिए। तो और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन दा रहा है वो दबा दीजिए जल्दी से। आप जल्दी से दबाइए, तब तक हम चलते हैं किचन में। नाश्ते में सिंपल सा भिंडी की सब्जी और पराठे ही बनाऊंगी। तो अभी यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्जी छौंक दी है, तो ये बन रही है हमारी भिंडी की सब्जी, और फिर पराठे भी बना लेंगे। जब तक मैं सब्जी बना रही थी, तब तक इनने कहा कि लाइटें लगा लेते हैं घर पे, तो दिवाली आ गई, तो ये हमारे दोनों बंदर चढ़े हुए हैं छत पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग अभी यहाँ पे हैप्पी दिवाली में 4 दिन बचे हैं बस, इसलिए लाइटिंग लगाने आए हैं यहाँ पे। देखें लाइटें लगा रहे हैं इधर, हमारी भिंडी की सब्जी भी बन के रेडी हो गई है। तो अभी मैं पराठे बना लूँगी, जब तक ये लोग छत पर से आ जाएं लाइटें लगा के, तो गरम गरम पराठे बना लेंगे, फिर नाश्ता करेंगे। इधर आटा गूंथ के पराठा भी बना लेते हैं, और ये रेडी हो गया है नाश्ता, तो आ जाइए आप लोग भी कर लेते हैं नाश्ता। और अभी हो गया है हम लोगों का नाश्ता वगैरह, तो अभी चलती हूँ मैं नारियल के लड्डू बनाने, और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी वही है, दिवाली है, धनतेरस है, तो त्योहारी त्योहार हैं, तो उसमें नारियल के लड्डू बना के प्रसाद में भी भोग लगा सकते हैं, या वैसे भी खाने के लिए बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो अभी चलते हैं नारियल के लड्डू बनाने। यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी भर के नारियल का बुरादा, ये वजन से 250 ग्राम है, और 1 कटोरी ले लिया है भर के मतलब दूध, और आधी कटोरी है चीनी का बूरा, आप चीनी भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आधी कटोरी चीनी का बूरा है, 1 कटोरी दूध है, और 1 कटोरी ये नारियल का बूरा है, और यहाँ मैंने लिए हैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर। तो ये मतलब मिल्क पाउडर तो ऑप्शनल है, तो ये मैंने ले लिया है सामान। और अब चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, इसको स्लो फ्लेम पे रखा है, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। तो इसको घी को डाल के इसमें अच्छे से गर्म होने देते हैं, और फ्लेम को बिल्कुल मतलब स्लो पे ही रखना है, तेज़ करेंगे तो जल जाएगा। अब ये घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो इसमें हम डाल देते हैं नारियल का बूरा, जो हमने नारियल का बूरा लिया है उसको डाल देंगे इसमें, और अच्छे से मिक्स करके इसको भूनेंगे। फ्लेम लो ही रहेगी, तेज़ करेंगे तो जल जाएगा, मतलब लो पे ही रख के लगातार चलाते हुए इसको भूनना है हमें। नारियल अच्छे से भुन गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं मिल्क, जो हमने एक बाउल ले रखा था दूध, उसको हम इसमें डाल के मिक्स करेंगे अच्छे से, बिल्कुल लगातार चलाते हुए।
गैस का फ्लेम लो रखेंगे और बिल्कुल लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे तो नीचे से लग जाएगा तो इसका टेस्ट बेकार हो जाएगा, तो मतलब टेस्ट में कड़वाहट आ जाएगी। तो इसको लगातार चलाते रहेंगे और ये हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका सारा दूध इसमें अब्जॉर्ब ना हो जाए नारियल में, तो बिल्कुल ये मतलब अच्छा सा बन जाएगा मिक्सर। तो अभी इसको चलाते रहेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के, फ्लेम भी हाई नहीं करना है, बिल्कुल आराम से पेशेंस के साथ रखना है इसको। दूध अच्छे से नारियल में अब्जॉर्ब हो गया है तो हम इसमें ये बूरा डालेंगे। यहाँ पे आप चीनी भी यूज कर सकते हैं और जो भी सामान लें वो एक या तो कप से नाप रहे हैं तो एक ही कप से सब चीज़ लें, या कटोरी से ले रहे हैं तो एक ही कटोरी से लें, इससे मतलब नाप सही रहेगा तो परफेक्ट बनेगा कोई चीज़ बनाएंगे तो एक ही चीज़ से लिया करें जो भी चीज़ लें। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें चीनी डाल दिया है तो ये अच्छे से मिक्स होके थोड़ा सा फिर पानी छोड़ेगा तो इसको भी सुखा लेंगे। अच्छे से सूख गया है तो अब इसमें हम मिल्क पाउडर डाल देते हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसको मतलब मिल्क पाउडर डालने से थोड़ा खोए जैसा टेस्ट आ जाता है तो इसको डाल भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा और सुखाते हैं। नारियल में ये दूध और चीनी अच्छे से मिक्स हो चुका है तो इसको मतलब अच्छे से सूख चुका है तो अभी हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसको 5-7 मिनट अच्छे से ठंडा होने देते हैं और ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसके लड्डू बनाएंगे। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। और अभी सबको थोड़ी थोड़ी भूख लग आई थी तो यहाँ मेरे हस्बैंड बना रहे हैं सैंडविच और इधर साथ में बना रहे हैं चाय, तो ये सैंडविच और चाय बना रहे हैं तो आ जाइए आप लोग भी खा लेते हैं अभी सैंडविच। और इधर ये भी ठंडा हो गया है तो अब बना लेते हैं लड्डू। तो यहाँ मैंने अपने हाथ में थोड़ा सा घी लगा लिया है और इसमें से थोड़ा थोड़ा एक लड्डू बनाने जितना लेंगे और लड्डू के मतलब ऐसे दोनों हाथों में दबा दबा के बनाएंगे या एक हाथ से जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे बना सकते हैं। तो मुझे तो एक हाथ से कंफर्टेबल लगता है तो मैं ऐसे ही गोल गोल बना दूंगी, ये अपने साइज़ के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। और थोड़ा सा नारियल का सूखा बुरादा रख लेंगे, उसमें ऊपर से लगाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा तो देखने में अच्छा भी लगेगा। तो अभी बना लेते हैं फटाफट से सारे नारियल के लड्डू। बन गए हैं हमारे सारे लड्डू और ये बिल्कुल हाथ में रखते हैं मतलब अच्छे से बन जा रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही है बांधने में। तो आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो बांधने में कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत आराम से बन जाएगा। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज में रखने से मतलब वही है, थोड़ा सा सेट हो जाएगा।
देखिए कितना अच्छा बन के सेट हुआ है, बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट सा। तो अभी हम पूजा की थाली में लगा लेते हैं और भगवान जी को भोग लगा देते हैं। इस तरीके से आप लोग धनतेरस या दिवाली पे बनाएंगे तो मतलब अच्छा रहेगा, भगवान जी को भोग भी लगा सकते हैं या मतलब खुद भी खाने के लिए सही है। आप लोग भी नारियल के लड्डू खाइए और ये देखिए अंदर से बिल्कुल कितना बढ़िया सॉफ्ट है, मतलब बिल्कुल जैसे मार्केट से ले आते हैं वैसे ही है, तो बहुत आसानी से घर पे बन गया है। और मैंने मतलब लड्डू वगैरह सब बना लिए हैं, तो आप लोग बनाइएगा ज़रूर, एक बार से ट्राई कीजिएगा। तो और अभी मतलब वही है, शाम का टाइम है, चलते हैं थोड़ा सा मार्केट। और दिवाली की वजह से मार्केट में बहुत ही भीड़ हो रही है, हर जगह जाम लगने लग गए हैं और मतलब रौनक तो खूब हो रही है मार्केट में, हर दुकान पे हर जगह पे। हर जगह लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ लग गई हैं और भी सारे भगवान लोगों की मूर्तियाँ लग गई हैं साथ साथ, तो ये देख के मतलब इतना अच्छा लग रहा है सारे ही ले लो, सारी ही मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर हैं एक से बढ़ के एक। और अभी मैं आ गई हूँ सलोनी पे, तो ये मतलब सलोनी यहाँ के बरेली के जो भी हैं वो जानते होंगे, तो यहाँ पे कपड़े तो बहुत महंगे मिलते हैं लेकिन ये है कि पसंद आ जाता है यहाँ पे, जो भी आपको लेना है साड़ी सूट लहंगा जो भी है तो पसंद का मिल जाता है जैसा भी चाहो, बस ये है कि कॉस्टली है, तो मतलब यही है। तो दिवाली के लिए मैं भी आई हूँ यहाँ पे अपने लिए देखने। सबके कपड़े देखते पसंद करते बहुत टाइम लग जाता है, तो अब हम लोग आए हैं घर वापस और मैंने तो जो सूट लिया था वो मतलब वहीं पे वो लोग हाथों हाथ रख लेते हैं अल्टर करके देने के लिए, फिटिंग करके देते हैं। और इन लोगों के लिए जो भी कपड़े लिए हैं वो सब ले आए हैं, बाकी थोड़े सामान ले आए हैं और बाकी अभी जो सामान रह गया तो धनतेरस के दिन खरीदेंगे अब, तो धनतेरस को भी थोड़ी शॉपिंग करनी चाहिए। और ये लाइटें लग गई हैं तो बहुत अच्छी लग रही हैं, हम लोग इस टाइम आए हैं तो वही है पूरी कॉलोनी में दिवाली की रौनक है। तो अभी थोड़ा सा गली का सीन भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को।
अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर छोड़िएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास आते रहें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं और जल्दी दिवाली का ब्लॉग लेके आएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और स्माइल करते रहिए। बाय बाय।